से जजीत, सीएम के कार्यक्रम आज क्या रहने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी वो सुपेला में रहेंगे आज और कर्नाटक भी उन्हें जाना है। जी बिल्कुल ममता, मैं आपको देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, 11 बजे लगभग सीएम एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए रवाना हो गया और फिर 12:20 पर वो अंबिकापुर से एमपी के सीधी जिले में सुपेला पड़ता है और जहां पर वो भागवत श्रीमद भागवत कथा का आयोजन है और भागवत कथा को वो सुनेंगे भी जरूर। और उसके बाद फिर शाम पांच बजे लगभग वो कर्नाटक के लिए रवाना होंगे और कर्नाटक में कार्यकर्ताओं से वो भेंट मुलाकात भी करेंगे। और उसके बाद देखिए 7 मई का जो कल का जो पूरा शेड्यूल है वो उसमें मैं आपको बता दूं कि प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और जो और वहाँ के जो तमाम कार्यक्रम है कर्नाटक में, देखिए कर्नाटक में 10 मई को मतदान होने हैं और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। तो ये पूरे जो कार्यक्रम कल के हैं वो कांग्रेस जनों के, वह उस पूरे कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। देखिए स्टार प्रचारक के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुना गया है और लगातार छत्तीसगढ़ के बाहर जब भी कहीं किसी किन्हीं राज्यों में अगर उपचुनाव होते हैं तो छत्तीसगढ़ के मुखिया का नाम, मुख्यमंत्री का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। लगातार देखिए शासन प्रशासन की जो तमाम शासन की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनका किस तरीके से अन्य राज्यों में बखान होता है, कई राष्ट्रीय पुरस्कार जो केंद्र द्वारा भी छत्तीसगढ़ सरकार को दिया जा चुका है। और उसके बाद देखिए लगातार जो कद बढ़ने की बात की जाती है सीएम भूपेश बघेल की, लगातार कद में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार सरकार के ऐसे तमाम ऐसे जो योजना है जो सफल होते जा रहे हैं जिनके अन्य राज्यों में भी लगातार उसकी सराहना की जाती है। तो जो चूंकि जो कल का जो कार्यक्रम है प्रेस वार्ता में भी वो प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद तमाम जो वहाँ के कार्यक्रम है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लेकर के वह उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। मैं अगली खबर पर आपसे अपडेट लूंगी।